अकेले रहने वाले लोगों की इमेज एक शाय, रिजर्व्ड, इंट्रोवर्ट और कई बार तो एंटी सोशल इंसान की बन जाती है, जो बिल्कुल भी सच नहीं है। जिन लोगों को अकेले रहना पसंद होता है उनके बारे में लोगों के मन में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस आज भी बने हुए हैं। अगर आपको अकेले रहना पसंद है, आप अकेले में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में हम शेयर करेंगे साइकोलॉजिकल फैक्ट ऐसे लोगों के बारे में जिन्हें अकेले रहना पसंद होता है। दोस्तों, यह है ब्रिंग मी फैक्ट सीरीज का 17th एपिसोड। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस एपिसोड को। वैसे तो इंसान एक सोशल एनिमल है, लेकिन इट्स एक्सट्रीमली कॉमन कि हमारे आसपास ऐसे लोग भी हैं जो अपनी खुद की कंपनी को ज्यादा एंजॉय करते हैं रेदर देन ज्यादा लोगों के बीच में रहना। मे बी आप भी इन लोगों में से एक हो सकते हो। ऐसे लोगों को सेल्फिश, ईगोइस्टिक या शाय समझना या फिर उनके इस बिहेवियर के लिए उन्हें जज करना लोगों की गलती होती है। आइए कुछ फैसिनेटिंग फैक्ट्स जान लेते हैं अकेले रहने वाले लोगों के बारे में, जिससे आप उन्हें बेहतर तरह से समझ सके। फैक्ट नंबर 7, मोस्टली लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि कोई इंसान अगर शांत है तो वो शाय होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। ये नेसेसरी नहीं है कि एक साइलेंट या अकेले रहने वाला इंसान की पर्सनैलिटी शाय होगी। दरअसल इस तरह के लोगों को दूसरे लोगों की अटेंशन बिल्कुल पसंद नहीं होती। वो सेंटर ऑफ अटेंशन ना बनने की पूरी कोशिश करते हैं, बट इट डजंट मीन कि वो शाय हैं। वो फ्रेंडली होते हैं, काफी हद तक सोशलाइज भी करते हैं, दूसरे लोगों से कंफर्टेबली बात भी कर सकते हैं, बस वो से लेस एंड लिसन मोर को ज्यादा फॉलो करते हैं। उनके माइंड में तो काफी कुछ चल रहा होता है, लेकिन वो मोस्टली अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग को लेकर श्योर नहीं होते, इसलिए उसे लोगों के साथ शेयर नहीं करते हैं। फैक्ट नंबर 6, अकेले रहने वाले लोग ज्यादा क्यूरियस होते हैं। उन्हें नई नई चीजें सीखना और ट्राई करना पसंद होता है। वो ज्यादा इंडिपेंडेंट और सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। That's why वो अपने गोल्स को अचीव करने में ज्यादा आगे रहते हैं। वो किसी दूसरे इंसान के ओपिनियन पर डिपेंड नहीं रहते, अकेले काम करना, अपने अकॉर्डिंग काम करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। फैक्ट नंबर 5, अकेले रहने वाले लोग दूसरे लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा क्रिएटिव और इमेजिनेटिव होते हैं। इसका मेन रीजन है कि वो अपना ज्यादा टाइम सोचने में बिताते हैं। ऐसे में वो उन सभी चीजों पर ध्यान दे सकते हैं, सोचते समझते हैं, जिन्हें दूसरे लोग मिस कर देते हैं, और इसी वजह से वो अपने सारे काम क्रिएटिवली कर पाते हैं और उस बारे में ज्यादा सोच पाते हैं। वो किसी भी काम को करने के नए और क्रिएटिव तरीके हमेशा ढूंढते रहते हैं। फैक्ट नंबर 4, अकेले रहने वाले लोगों के बारे में ये फैक्ट है कि वो सिर्फ ज्यादा दोस्त बनाने, सोशली एक्टिव रहने या फिर रिलेशंस बनाने के लिए सुपरफिशियल एक्ट नहीं करते। उनका मानना होता है आई एम द वे आई एम। वो क्वांटिटी नहीं क्वालिटी में बिलीव करते हैं, तो इस तरह के लोगों के क्लोज वन बनने के लिए टाइम और एफर्ट लगाने पड़ते हैं। लेकिन हाँ, ट्रस्ट हार्ड अर्न जरूर होता है, पर ये लोग अपने जेन्युइन फ्रेंड्स के साथ सब कुछ शेयर करते हैं और उनके साथ हमेशा लॉयल रहते हैं। इस तरह के लोगों से ज्यादा लॉयल कोई नहीं हो सकता। फैक्ट नंबर 3, साइलेंट इंडिविजुअल को मोस्ट ऑफन एक एंग्री या डिप्रेस्ड इंसान के तौर पर परसीव किया जाता है, पर ध्यान देने वाली बात यह है, सभी डिप्रेस्ड लोग शांत नहीं होते और सभी शांत लोग डिप्रेस्ड नहीं होते। अकेले रहने वाले लोग सोशल इंटरेक्शंस पर एनर्जी लगाना पसंद नहीं करते, इसलिए वो क्राउड से दूर रहते हैं। वो अपनी कंपनी को इतना एंजॉय करने लगते हैं कि उन्हें बाकी लोगों से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता। अकेले रहकर ही वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, खुद ही सॉल्व कर लेते हैं, ना किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस, ना किसी को एक्सप्लेनेशंस। फैक्ट नंबर 2, अकेले रहने वाले कम बोलने वाले लोगों को बोरिंग माना जाता है, और जब आप उनके साथ होते हो तब उन्हें देखकर लगता है कि वो बोर हो रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता। वो एक्टिव लिसनर होते हैं, कन्वर्सेशन को बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते हैं, बस बोलते नहीं है, इसलिए उनको देखकर तो लगता है कि वो बोर हो रहे हैं, पर वो आपकी बातों को काफी अच्छी तरह से सुन रहे होते हैं। फैक्ट नंबर 1, अकेले रहने वाले लोगों को कोल्ड हार्टेड बोला जाता है, पर असल में उनसे ज्यादा एम्पैथेटिक कोई नहीं होता। लोगों की बातें सुनना, उन्हें समझना, उनकी फीलिंग को समझना, इस तरह के लोगों को काफी अच्छी तरह से आता है। वो हाईली सेंसिटिव होते हैं, पर इमोशनली बाकी लोगों से ज्यादा स्टेबल होते हैं। उनका आउटलुक लाइफ को लेकर काफी पॉजिटिव रहता है। स्ट्रेस जैसी चीजों को फेस करने में काफी एक्सपर्ट होते हैं। अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में माहिर होते हैं और एवरेज इंसान के कंपैरिजन में काफी कम रिएक्टिव होते हैं। इसलिए उन्हें देखकर तो लगता है कि वो अपने इमोशंस को अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर रहे, पर वो काफी इमोशनली स्टेबल और बहुत एक्सट्रीमली सेंसिटिव होते हैं। क्या आपको भी अकेले रहना पसंद है? कमेंट करके जरूर बताएं। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए द साइकोलॉजी क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं।